जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स टारगेट डे नंबर 8 में आपका वेलकम करते हैं। और आज का टारगेट हम लोग देने से पहले आज हम लोग किन चीज़ों पर बात करेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट होगा, तो पहले तो हम टारगेट दे देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और इसकी जो वैकेंसी होगी हमारी कब तक चलेगी वैकेंसी, और कट ऑफ क्या हो सकता है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन का कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग को पता चले कि हमको कितना तैयारी करनी चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही डिस्कशन ग्रुप हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी सिस्टम हो गया है, डिस्कशन सिस्टम हो गया है, और तो इन सब पे हम बात करेंगे कि ये फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा और किनको करेगा किनको नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका जो है BPSC PYQ का वीडियो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा बहुत जल्द। और इसके बाद जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, और फिर रिवीजन, फिर नोट मेकिंग पे हम लोग बात करेंगे नोट, और लास्ट में हम लोग मैं स्पेशली आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा ताकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट से। आज का टारगेट हमारा रहेगा, अब हम लोग जो है हम लोग सितंबर तक करंट अफेयर तक पढ़ लिए थे, और आज हम लोग फिर से सितंबर से हम लोग जून में आएंगे। अब हम लोग सितंबर से डायरेक्ट अब जून, सिर्फ हम लोग सितंबर टू सितंबर साइकिल रिपीट करेंगे करंट अफेयर का, उससे एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट होगा कि ज्योग्राफी के हम लोग जो है 120 क्वेश्चन तक पढ़े थे, और आज जो है 120 क्वेश्चन से लेकर आज 240 क्वेश्चन तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज ज्योग्राफी जो टारगेट होगा हमारा 120 पेज नंबर से लेके 240 पेज नंबर तक लेके चलना है। इसके साथ जो करंट अफेयर चलेगा हमारा जून 2024 का चलेगा। आज आपको जून 2024 का करंट अफेयर पढ़ना है, स्पेशली आपको नेशनल का भी पढ़ना है और बिहार करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो जून 2024 का जो रहेगा आपको बिहार का करंट अफेयर और आपका नेशनल करंट अफेयर दोनों को पढ़ना है, और साथ में बिहार का बजट देख लेना है। बिहार और नेशनल बजट देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ों को आपको आज कंप्लीट करना है। क्या क्या है फिर से देख लीजिए, ज्योग्राफी का 120 से लेके 240 पेज नंबर तक पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको करंट अफेयर देखना है जून 2024 का, फिर बिहार करंट अफेयर देखना है जून 2024 का, फिर नेशनल और बिहार का बजट आप देख सकते हैं। आज का टारगेट ये है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन का, BPSC 70 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो 15 से 20 जुलाई तक तो आ सकता है, 15 से 20 जुलाई के आसपास जो है नोटिफिकेशन का बता दिया जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और जल्दी जल्द फॉर्म फिलअप अप्लाई होने लगेगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो वैकेंसी है ऑलरेडी आप सबको पता है कि अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, मैं कोई मतलब 1000 प्लस के आसपास ही रहने वाला है, और मे भी चांसेस है कि आपको 64 BPSC को भी ये बीट कर सकता है जो वैकेंसी के मामले में। इसके साथ साथ कट ऑफ क्या रह सकता है, तो कट ऑफ जो है 68 BPSC में आपका कट ऑफ जो है कितना गया था, 91 गया था, और 69th BPSC में भी तीन क्वेश्चन गलत होने के बावजूद जो है 91 गया था। इसका मान के चल सकते हैं कि 69 BPSC में कट ऑफ जो है कम हुआ था, क्योंकि वहाँ पे तीन क्वेश्चन को सभी को इक्वल नंबर दे दिया गया था, तो तीन नंबर आप यहाँ पे कट ऑफ को डाउन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 88 नंबर के आसपास वहाँ पे कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का, तो तीन नंबर दे दिया सभी को, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ में भी तीन नंबर बढ़ जाएगा, तो 91 कट ऑफ हो गया था। तो इस रिगार्डिंग मैं आप कहूँगा कि कट ऑफ जो है जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ेगा आपका कट ऑफ कम होता है, और उतना भी कम नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो। इस बार कट ऑफ भी लगभग आपका 88 के आसपास, 88 से 95 के बीच में ही रहने वाला है। लेकिन हम लोग का टारगेट कितना होगा, हम लोग का टारगेट जो होगा आपको 100 के आसपास का टारगेट हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, 100 के आसपास लेके चलना है। फिर जो है हम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए नहीं, आज का टाइम जो है बहुत लोग लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं, लाइब्रेरी हो गया, कोचिंग हो गया, वहाँ पे आजकल डिस्कशन ग्रुप हो रहे हैं। डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सेल्फ स्टडी करें। डिस्कशन ग्रुप एक तरह से सेल्फ स्टडी होता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप एक घंटे अगर प्रोडक्टिविटी निकाल ले रहे हो तो अच्छी बातें कर लीजिए, और नहीं तो डिस्कशन ग्रुप को अवॉइड ही कर सकते हो, क्योंकि डिस्कशन ग्रुप में जो क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट ही आपस में क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं, और उतना क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है डिस्कशन ग्रुप मैं नहीं कहूँगा कि आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हो सके जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी कीजिए और आइसोलेट में स्टडी कीजिए, आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। BPSC PYQ का 69 BPSC के मैं PYQ को क्वेश्चन को मैं बहुत जल्द ही क्या करूँगा, मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि क्वेश्चन
किस टाइप का आया था और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट तो बहुत लोग सिखा रहे हैं कैसे करना है, लेकिन उसके राउंड अबाउट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं आपको लेके चलूँगा, तो उसका भी मैं बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है आपका कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का टफनेस होगा वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से ही डिसाइड किया जाएगा। पॉलिटी आई थिंक सबको पता होता है और लगभग जो है मैक्सिमम 80 to 90% जो क्वेश्चन है पॉलिटी में लोग सोल्व कर देते हैं। हिस्ट्री भी एज पर देखा जाए तो बीपीएससी आजकल हिस्ट्री से इजी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो टफ क्वेश्चन हिस्ट्री में बनाने का उतना नहीं लग रहा है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन टफ बन सकते हैं वो बनेगा आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से ही बनेगा। और इस बार देखिएगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पोर्शन जो है थोड़े से हाई होंगे, और क्वेश्चन इस बार मे भी क्या पता क्वेश्चन को पैटर्न क्वेश्चन का जो मार्किंग होगा पैटर्न ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में शायद कुछ क्वेश्चन बढ़ जाए। और 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स होगा, तो आप मैंने बता दिया है कि पिछले वीडियो में कि आप मैथ्स रीजनिंग के लिए आप PYQ क्वेश्चन को ही देख सकते हैं, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन जो हम लोग करेंगे सितंबर के मंथ में करने वाले रिवीजन, और जो भी अभी चल रहा है जैसे घटना चक्र चल रहा है तो सबसे पहले हम लोग घटना चक्र का रिवीजन ही करेंगे, और जैसे जैसे होगा मैं रिवीजन के लिए बताते जाऊँगा क्या कैसे क्या करना है। इसके साथ ही नोट मेकिंग कैसा होना चाहिए, तो नोट मेकिंग आप मस्ट है, बहुत ही मस्ट है, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा बुक उठाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ जो भी आप जिन पेजों पेजेस में आप उन क्वेश्चन को लिखे हैं उन्हीं क्वेश्चन को याद रखना है, उन्हीं क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं और आप उनमें कंफ्यूज हैं, तो इसलिए आपको नोट मेकिंग इम्पॉर्टेंट है, या मैं कहूँ तो मस्ट है मेरे हिसाब से। तो मैं भी ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ और मैं भी बना चुका हूँ, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको मैं कुछ बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे करके बता सकते हैं बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि क्या हो गया कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको लिखना नहीं होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग होगा आपका मेन थीम आपको लिखना है और उसके आंसर लिख देने हैं और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि राइस बॉल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो राइस बॉल है किसे कहते हैं, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो जाएगा। यही अगर कहेंगे सुगर बॉल कौन होता है तो हमारे यूपी हो जाता है, तो याद रखिएगा कि जो है कभी कभी कंफ्यूज जाएंगे कि राइस बॉल कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश मार देंगे, और फिर जो है सुगर बॉल आएगा तो आप यूपी, मतलब कंफ्यूज होंगे इन दोनों में, तो इसलिए मैंने लिख लिया है। इसके बाद जो है वाइट गोल्ड एरिया किसे कहते हैं, आप मेरे को बता सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे टारगेट को कंप्लीट करें तो बताइएगा कि वाइट गोल्ड एरिया है वो कौन सा एरिया को कहा जाता है वाइट गोल्ड एरिया। फिर जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि 3 प्लांट फैमिली 4 प्लांट फैमिली ये सब आपको पता होना चाहिए, सीफर प्लांट क्या है, सी3 प्लांट क्या है, वो सब आपका नोट्स हो जाना चाहिए। मस्टर्ड को क्या कहते हैं, मस्टर्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, ये सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आज बस वही है, इम्पोर्टेंट है कि 120 से 240 तक आपको लेके जाना है और इस चीज़ को कम्प्लीट करना है, ठीक है। बाकी आई थिंक मैंने सारे पहलू को आपको बता दिया है आज का, कि आपको टारगेट भी दे दिया है और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को बता दिया है। रेस्ट जो आपको कोई डाउट होगा आप हमें से पूछेगा, और क्वेश्चन कराने का क्या फ़ायदा होगा तो क्वेश्चन भी मैं पूछ ही लेता हूँ, बस बताना है कि पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको कि वाइट गोल्ड एरिया कौन सा एरिया को कहते हैं, इसके बाद जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं वही बता दीजिएगा, और एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि बस इतना काफ़ी है आपके लिए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और नोट मेकिंग इस तरीके से करना है कि आपको मिनिमम टाइम लगे रिवीजन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।